900 सालों से इस श्रापित मंदिर में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर किराड़ू के बारे में। इस मंदिर में महादेव का निवास है और इसकी नक्काशी इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। परंतु दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति शाम के समय इस मंदिर में चला जाए तो वो पुनः बाहर लौट कर नहीं आता। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है बाड़मेर का यह किराड़ू मंदिर एक साधु के द्वारा श्रापित है। परंतु ऐसा क्या हुआ था कि उन साधु महाराज ने इस मंदिर को श्रापित कर दिया। बात है आज से ठीक 900 साल पहले की, जब एक साधु महाराज इस मंदिर में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे थे। कुछ दिनों के बाद वो अपने शिष्यों को बाड़मेर गांव छोड़कर, ताकि वो अपनी शिक्षा का अभ्यास कर सके, तीर्थ स्थानों की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान अचानक ही एक एक करके उनके शिष्य बीमार पड़ने लगे। उन्हें इलाज की बहुत आवश्यकता थी, परंतु गांव के सभी लोग बहुत ही स्वार्थी थे। उन्होंने उन साधु महाराज के शिष्यों की जरा सी भी मदद नहीं की। परंतु उस गांव में कुम्हारन थी जिसने उन साधु महाराज के शिष्यों की मदद की थी, परंतु वो एकलौती इतने सारे लोगों को संभाल पाने में असक्षम थी। अब निरंतर दिन निकलते जा रहे थे। बीमारी की वजह से उन साधु महाराज के शिष्य एक एक करके दम तोड़ रहे थे, परंतु गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अब देखते ही देखते उनके 17 शिष्यों में से 3 शिष्यों की मौत हो गई। और कुछ दिनों बाद वो साधु महाराज जब पुनः उस भूमि पर पहुंचे और अपने शिष्यों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने वहाँ के लोगों को श्राप दिया कि जहाँ मानवता नहीं है वहाँ लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। उनके श्राप देते ही सभी लोग पाषाण के हो गए। परंतु उस गांव में जो कुम्हारन थी जिसने उन साधु के शिष्यों की मदद की थी, उसको उन साधु महाराज ने कहा कि वो शाम ढलने से पहले ही वहाँ से चली जाए, साथ ही जब वो जाए तब पीछे मुड़कर न देखे, अन्यथा वो भी पाषाण की बन जाएगी। परंतु वो उन साधु महाराज को परखना चाहती थी, इसलिए जाते समय उसने उन्हें मुड़ करके देख लिया और उसी समय वो कुम्हारन भी पाषाण की बन गई। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक ही ये प्रथा बनी हुई है कि उस जगह पर शाम के समय कोई भी नहीं रुकता है। अगर कोई वहाँ शाम के समय रुका तो वो भी पाषाण का बन जाता है। और यही कारण है कि पिछले 900 सालों से उस श्रापित मंदिर में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। कई साइंटिस्टों ने यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की है, परंतु बाड़मेर क्षेत्र के लोग यहाँ उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। कुछ लोगों ने यहाँ कैमरे लगाने का भी प्रयास किया है ताकि रात की सारी घटनाओं को वो कैमरे में कैद कर सके, परंतु अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि उनके कैमरे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मानव का पहला धर्म है किसी असहाय की मदद करना, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आज से 900 साल पहले बाड़मेर गांव के लोग उन साधु महाराज के शिष्यों की मदद कर देते तो शायद इतना बड़ा श्राप उनके गांव को नहीं लगता, उस मंदिर को नहीं लगता। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के अभी वीडियो को जरूर लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।